اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي فمن شهد منكم الشهر فليسم ومن كان مريضا او على سفر فعده من لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عن

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله ونسلي ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سالك عبادي اني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي याज़ीना आमनसुआ वसम तस्लिम अल्लास महमदम महमदम वबारक वसलम सामिन आज आठ रम़ानमबारक है और एक मरतबा फिर माह प्रोग्राम माह रमज़ान होम टी वी इंटरटेनमेंट के ज़रिए तमाम आपसे मुखातब है साहिबज़ादा महमदन गफ़ूर हाशमी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि आज आठ मुबारक है और ये अशरा रहमत का अशरा है लपाक हम सबको अपनी रहमतों और बरकतों से नवाजे आज का हमारा मौजू है दुआ की फ़जीलत हम इबादत करते हैं अल्लाह तबारक व की बारगाह में सजदा सर बसजूद होते हैं नमाज अदा करते हैं कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तिलावत करते हैं इसके अलावा ज़िक्र अज़कार करते हैं हर चीज़ अपनी जगह पर लेकिन जो लुत्फ़, जो कैफियत जो सुरूर और जो इंसान की जो मनशा होती है और जो इंसान की तलब होती है उसको जो तलब हासिल होती है वो किस से हासिल होती है वो दुआ ही है क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है कि जो इबादत का मगज़ भी है और दुआ खुद ही एक इबादत है क्योंकि हुजूर हज़ुर की हदीस मुबारका है फरमाया कि अदुआ इबादा कि दुआ खुद एक इबादत है हुजूर ने फरमाया अ दुआल इबादा कि दुआ जो है ये इबादत का मगज़ है तो आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक बहुत ही मशहूर आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है उसमें अल्लाह तबारक व तौर इर्शादा फरमाता है कि व इरा का इबादी अन्नी फ़िन करीब अल्लाह फरमाता है अ मेरे महबूब जब आपके उम्मती स का आप से पूछें अन्नी मेरे बारे में तो आप उनको ये फरमा दीजिए कि फ़ इन्नी करीब वो करीब है कितना करीब है उसके करीब होने की कोई लिमिट नहीं वो तो वो रब है कि जो हमारी शाहरक से ज़्यादा करीब है वह इदा सा अला का इबादी अन्य फ़न्नी करीब और अजीब उदावतदाई कि वो कबूल करता है पुकारने वाले की पुकार को इजादा आन के जब उसको पुकारा जाता है फ़लय जजीबोली वाली बस वो कबूल करता है मेरे लिए पलियु मनूबी और ईमान लाओ दोबारा दोबारा अलहमदिल्ल हरबिल आलमीन असलात वसलाम अल रसूल कर करीम अम्माबाद फ़ाउज़ब्लमीन शैतवानजीम बसमिल्लम रहीम वदा सलाका इबादी अन्य फ़न्नी करीब

सामीन व नाजरीन आज आठ रमजान मुबारक है और एक मरतबा फिर प्रोग्राम माह रमज़ान होम टी वी इंटरटेनमेंट के तमाम आपसे मुखातिब है साहिबज़ादा मोहम्मद अदनान गफ़ूर हाशमी अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा मौजू है दुआ की फ़जीलत दुआ एक ऐसी इबादत है कि जिससे हमारी मुराद पूरी होती है जिससे हम अल्लाह तबारक व ताली को सही तरीके से पुकार सकते हैं उसकी बारगाह में अपनी अर्ज़ पेश कर सकते हैं क्योंकि दुआ एक ऐसी इबादत है

अल्लास महम्मद आल महमदम वबारिक वसलम सामीन व नाजरीन एक मरतबा फिर प्रोग्राम माह रमज़ान होम टी वी इंटरटेनमेंट के ज़ेरहाम आपसे मुखातिब है साहिबजादा मोहम्मद नान गफूर हाशमी अल्हम्दुलिल्लाह आज आठ रमजान मुबारक है जबकि आज का हमारा मौजू है दुआ की फजीलत दुआ ख़ुद ही एक इबादत है हम वैसे नमाज पढ़ते हैं रोज़ा रखते हैं कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की कसरत से तिलावत करते हैं ज़िक्र वज़कार करते हैं वज़ाइफ पढ़ते हैं उन सब का मक़ाम अपनी जगह पर उन सब की जज़ा अपनी जगह लेकिन दुआ एक ऐसी चीज़ है कि बंदा जिस टाइम भी दुआ करना चाहे हाथ उठा कर अपने दिल के अंदर अल्लाह तबारक व ताली की रज़ा को पैदा करके अपनी तलब और फिर अपने गुनाहों को सामने रख के उससे गुनाहों की माफ़ी मांग कर अल्लाह तबारक व ताल की बारगाह में जब बंदा गिड़ गिड़ा के दुआ करता है जब उसको पुकारता है तो वो वो रब है कि जिसने ये बताया कि लोगों में तुमसे से सत्तर माओ से ज़्यादा प्यार करता हूँ तो जब सत्तर माओ से ज़्यादा प्यार करने वाले उस रब की बारगाह में हम दुआ करते हैं तो यकीन वो हमारी इस पुकार को सुनता भी है अल्लाह तबारक व तौर मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर फ़रमाता है इदा सला का इबादी के महबूब ए महबूब करीम सलील वसम जब मेरे बंदे आपसे सवाल करें मेरे बारे में तो आप उनको ये फरमा दीजिए कि फ़ करीब के पस बेशक मैं करीब हूँ और मैं कितना करीब हूँ कितना नज़दीक हूँ उनके तो हुजूर वसलाम से जब आप सवाल करेंगे तो हुजूर ये फरमाएंगे कि फ़ करीब के बेशक रब करीब है कितना करीब है वो तो शाहरग से भी ज़्यादा करीब है कि इजादआन कि जब तुम व इदा साल का इबादी अन्य फ़न्नी करीब उजीब वावतदा कि अल्लाह तबारक व ताल कबूल करता है पुकारने वाले की पुकार को कि जब वो पुकारता है अपने रब को तो यहाँ पर यह दुआ का ज़िक्र हो रहा है क्योंकि दुआ एक ऐसी इबादत है कि जो अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में पुकारने अल्लाह तबारक व ताला की मदद हासिल करने का ज़रिया है क्योंकि दुआ का जो इसका जो मैना है वो क्या है इसका जो अपना एक मैना है वो ये है कि इसमें वो अल्फाज आते हैं कि जिनसे हमारी पुकार सही होती है और वो कैसी पुकार है कि इसका इससे मुराद ये है मानवी तौर पे कि इबादत करना या मिलना मिलाना या अर्ज़ पेश करना या इसके अलावा उसकी बारगाह में या किसी ख़ास बारगाह में जस्तजू करना किसी ख़ास बारगाह में गिड़गिड़ाना रोना ये दुआ कहलाती है लेकिन इसका जो मफहूम है वो ये है कि अल्लाह तबारक व ताली की बारगाह में गिड़गिड़ाकर कर रो कर अपनी आरजू पेश करें गुनाहों को सामने रख कर अपने अंदर आजजी इनकसारी पैदा करके जब उस माले की हकीकी और खाले की हक़ीक़ी की बारगाह में बंदा झुक जाता है और बंदा अपने आप को अल्लाह तबारक व ताल की बारगाह में सामने गुनाहों को रख कर पेश करता है और गुनाहों की माफ़ी मांग कर उससे जब अल्लाह तबारक व ताल से मदद मांगता है अल्लाह तबारक व ताल को पुकारता है तो वो रब इतना करीब है इतना गफ़ूर है इतना रहीम है कि वो अपने उस बंदे की पुकार को सुनता भी है और उसकी दुआ को कबूलीत का शरफत फरमा देता है क्योंकि लघवी इसके जो इसकी जो मेनिंग है वो ये है कि बुलाना भी है पुकारना भी है इबादत करना भी है मदद तलब करना भी है सवाल करना भी है ये दुआ के लोगई मेनिंग हैं दुआ की अहमियत बहुत है इसकी फजीलत बहुत है अब बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो दुआ करते हैं मुश्किल हालात में वो परेशानियों में दुआ करते हैं जब उनकी दुआ कबूल होती है तो वो बाद में जब उनको खुशी मिलती है उनको जब अल्लाह तबारक वताल नेमतों से नवाजता है तो वो बाद में अपने उस रब को भूल जाते हैं न इबादत करते हैं न फिर दुआ मांगते हैं तो उनका ज़िक्र भी आगे कुरान मजीद फुर्क़ान अमीद में आ रहा है अल्लाह तबारक व ताल फरमाता है कि वह इज़ा मसल इंसानदुर जम्बे ही अवका इदन अवका इमन कि जब इंसान को कोई तकलीफ़ मस करती है तो वो हमें पुकारता है किस तरीके से पुकारता है लेटे हुए पुकारता है बैठे हुए पुकारता है खड़े होकर पुकारता है ज़ाहिर इंसान है मेरा बंदा है जब उसको कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो हर तरीके से हमें पुकारता है लेकिन एक बात है कि फलमा कशफना आनू दुर्रह मर्रा कि जब उससे तकलीफ़ दूर कर दी जाती है जब हम उससे तकलीफ़ को परेशानी को उसकी मुसीबत को ख़त्म कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि मर्रा काम गा अला दुर्रमसा कि वो फिर ऐसे गुजर जाता है और ऐसे चलता है कि जैसे वो ये समझता है कि उसको किसी किस्म की कोई तकलीफ थी ही नहीं कोई परेशानी थी ही नहीं कोई उसको मुसीबत आ ही नहीं फिर कज़ाली का जुक्न अलमशरफी मकान यालमून इसी तरह मुजन किया गया है मशरफिन के लिए कि जो वो करते थे जो उनके जो आमाल थे इसराफ करने वालों के जो पिछली उम्मतों में थे जो पहले लोग गुजर चुके हैं उनके अमाल को उनके इस तरीक़ाकार को भी सामने रखा गया है वो भी इस तरह करते थे एहसान तो इस तरह ना कर कि जब तुझे कोई मुश्किल आए तुझे कोई परेशानी आए तुझे कोई टेंशन आए तेरे ऊपर मुश्किल और कड़ा वक्त आ जाए तो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर वो तेरी दुआ कबूल करे दुआ कबूल होने के बाद जब तेरी परेशानी ख़त्म हो जाए फिर तू अपने आप को ऐसा समझ ले कि मुझे तो किसी तकलीफ़ ने हाथ तक नहीं लगाया तो ये तेरी भूल है उस रब ने तेरी दुआ कबूल की है और उस रब ने ही तेरी दुआ कबूल करके तेरी उस जो परेशानी थी उस परेशानी को भी ख़त्म किया तेरी मुसीबत को ख़त्म किया है लेकिन तू अपनी उस दुआ की कबूलियत के बाद ठीक होने के बाद फिर भी अपने रब को पुकार अब दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया कि वह इज़ा मसल इंसान दुर दुआ रबह मुनीबन कि जब इंसान को कोई तकलीफ़ मस करती है कोई तकलीफ़ इंसान को पहुँचती है तो दा रब्बा मुनीबन अलही कि वो अपने रब से पुकार करता है अपने रब को पुकारता है मुनीबन उसकी बारगाह में वो इल्तिजा करता है उसी की तरफ अल्तजा करता है वो अल्लाह की तरफ रुख करता है अल्लाह की बारगाह में आता है सुमा अदा ख़बलाह मिन कि जब उसको किसी नेमत से नवाज़ दिया जाता है तो नासिया माँ कानू मिन कबल तो फिर वो भूल जाता है फिर क्या करता है फिर वो दुआओं को भूल जाता है फिर वो जो तकलीफ़ होती है उस तकलीफ़ को भूल जाता है फिर वो कहता है नहीं ये नेमत पहले भी मेरे पास थी अब भी मेरे पास है दरमियान में कोई थोड़ी बहुत रुकावट आ गई तो ये ऐसा नहीं है अल्लाह ख़ुद फरमा रहा है कि इंसान तू ऐसा ना किया कर कि जब तुझे कोई तकलीफ पहुँचती है तो तकलीफ़ पहुँचने के बाद तू मुझसे दुआ करता है मैं तेरी दुआ कबूल करता हूँ तेरी जब परेशानी ख़त्म हो जाती है फिर तू भूल जाता है तुझे कोई नफ़ा मिलता है तुझे कोई फ़ायदा मिलता है जब तेरी तुझे आसानी मिल जाती है तो तू मुझे भी भूल जाता है ऐसा नहीं इससे मुराद यही है इसका ख़ुलासा यही है इन आयात करीमा का कि जो भी मुश्किल हो जो परेशानी हो हालात जो हैं वो मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात भी हों तब भी अल्लाह की तरफ आओ अल्लाह की बारगाह में दुआ करो परेशानी ख़त्म हो जाएगी जब हालात सही हों ठीक हो तब भी उसकी बारगाह में आकर दुआ किया करो मैं आगे जाकर हदीस मुबारक पेश करता हूँ जिसमें हुजूर आसलात वसलाम ने यह फरमायाजूर ने क्या फरमाया तिरमदी शरीफ़ की हदीस है हज़रत अब्दुल्ला से रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं हजूर आई वसलाम ने फरमाया कि अल्लाह से उसका फजल मांगो अल्लाह से क्या मांगो उसका फजल मांगो और अल्लाह तबारक व तला से उसकी नेमत मांगो अल्लाह तबारक व ताल की बारगाह में दुआ करते रहा करो करते रहा करो उसकी बारगाह में इतनी दुआ किया करो और ये दुआ जो है कि एक इबादत है और बेहतरीन इबादत जो है कि फराख़ी का इंतज़ार है यानी कि सब्र के साथ जब तुम इबादत करोगे तो ये दुआ जो है एक ऐसी इबादत है कि जो इबादत तुम्हें दुनिया व आखरत में सुरखरू और कामयाब कर देगी अब दूसरी एक हदीस मुबारक है तिरमदी शरीफ की हदीस है अबू हुरर इसके रावी हैं हज़रत अबू हुरा फरमाते हैं कि हज़ूर सलात ने फ़रमाया अल्लाह तबारक वताल को मुश्किल और परेशानी में सिर्फ ना पुकारो बल्कि इससे हट कर भी पुकारो जब तुम ठीक हो जाओ जब तुम खुश हो जब तुम्हें आसानियाँ मैसर हों जब तुम्हें कोई तकलीफ परेशानी मुसीबत ना हो तब अल्लाह तबारक व ताल को पुकारो जब तुम इन परेशानियों मुसीबतों से हट कर इन से बाहर निकल कर अल्लाह तबारक व ताल को पुकारोगे तो फिर देखना तुम्हारी ये पुकार उस टाइम भी काम आएगी जब तुम परेशानियों में घिरे हुए हो गए जब तुम्हारे ऊपर आस जब तुम्हारे ऊपर तंगी आ चुकी होंगी जब तुम्हारे ऊपर जो है मुश्किल हालात होंगे फिर जो तुम अच्छे वक्त में अल्लाह को याद करते थे जब इस बुरे वक्त में याद करोगे तो उस अच्छे वक्त के बदले में अल्लाह तबारक व ताल तुम्हारा ये बुरा वक्त भी ख़त्म कर देगा तो ये अल्लाह तबारक व की शान करीमी है और हज़ूर ने यहाँ पर यह बयान फरमाया अब तिरमति शरीफ की तीसरी हदीस भी मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ जो लोग दुआ नहीं करते जो लोग अल्लाह की बारगाह में उसको पुकारते नहीं हैं उसको नहीं पुकारते तो हुजूर ने फरमाया मल्लम यस अलई कि जो अल्लाह ताला को नहीं पुकारता उससे सवाल नहीं करता तो फिर अल्लाह तबारक मत उससे नाराज़ होता है उस पर अल्लाह का गदब होता है उस पर अल्लाह नाराज़ होता है जो अल्लाह को नहीं पुकारता तो यकीनन यहाँ अगर अक़ीदे के लिहाज से देखा जाए तो ये हमारे अकायद में से हमारा फर्स्ट अक़ीदा है पहला अकीदा है कि उसको वहदानियत का दर्जा दिया गया है वो वह ला शरीक ज़ात है जब वो वहद ला शरीक ज़ात है तो यकीनन हमें उसे ही पुकारना चाहिए ना जब हम उसको पुकारेंगे उसको एक मानेंगे तो यकीनन वो रब ऐसा है जो सत्तर माओ से भी ज़्यादा प्यार करता है और फिर वो ऐसा रब है कि दावत अजीब उदावतदा दुआ हमारी कबूल करता है जब हम उसको पुकारते हैं तो यकीन हमें उसको पुकारना चाहिए हज़रत इमाम कोशरी का एक कौल उन्होंने फरमाया कि दुआ कैसी होनी चाहिए उन्होंने हज़रत सहल से रिवायत की एक बात और उनका एक कौल है वो इसको अपनी अपने साल कुशरिया में लिखते भी हैं हज़रत इमाम कुशहरी फरमाते हैं कि इंसान अपने आप को जब अल्लाह तबारक व ने इंसान को पैदा किया व मा खल उजन्ना वालसा अल याबुदून तो इनको इबादत के लिए पैदा किया गया तो अल्लाह तबारक वताल जो है वो इंसान को ये कहता है कि ए इंसान तू क्या कर तू मुझे देख ए इंसान तू मुझे देख ए इंसान अगर तू मुझे देख नहीं सकता तो फिर इस तरह कर तू मेरी बात सुन अगर मेरी बात नहीं सुन सकता तो तेरा मेरा हुक्म मान तू मेरे हुक्म से ही कतराता है तो फिर यूं कर तू अपने सारे आमाल को लेकर मेरे पास आ जा मेरी बारगाह में आ जा मैं तेरे सारे आमाल को देखूंगा और तू मुझसे दुआ करेगा मैं तेरी दुआ कबूल कर दूंगा तो रब ने इतनी इंसान को छूट दी है अब बारगाह उलूहियत में दुआ की बड़ी कदर और कीमत है अल्लाह की बारगाह में जो दुआ की अहमियत और फजीलत है ना वो बड़ी है उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता दुआ बहुत बड़ी चीज़ है दुआ जो है वो गुनाहों को टाल देती है इंसान की बख्श वक्सरत का ज़रिया बन जाती है गुनाह जो है दुआ जो है ये इंसान की बुराइयों को ख़त्म कर देती है दुआ अगर लग जाए तो इंसान की दुनिया में जो है दुनिया की ज़िंदगी जो है ये सवर सकती है आख़रत की ज़िंदगी भी सँवर सकती है दुआ इबादत का मगज़ है हम इबादत करते हैं नमाज़ पढ़ते हैं नमाज़ के आखिर में दुआ क्यों करते हैं इसलिए कि हम जो दुआ नमाज़ पढ़ते हैं उससे हमें जो कमी कोताही हो जाती है बाद में जब दुआ करते हैं तो यही कहते हैं ना कि अलाह आलमीन हमने नमाज़ पढ़ी इसमें अगर हमसे कोई कमी बेशी हुई तो वो माफ़ फरमा रोज़ा रखा जब हम दुआ करते हैं तो यही कहते हैं कि अला आलाम हमसे कमी बेशी हुई माफ़ फरमा तो ये दुआ जो है कि इबादत का मख् है यानी कि यूँ समझें कि बाद में अगर आपने अल्लाह को पुकार कर जब उसकी बारगाह में कुछ कहना है तो वो दुआ ही कर सकते हैं और दुआ जो है ये खुद इबादत है अगर आप बैठे हैं किसी के लिए दुआ कर लेते हैं तो ये दुआ ख़ुद एक इबादत है तिरमदी शरीफ की एक हदीस मुबारका है हज़ूर सलाम ने फरमाया कि ला यजा दुआ कि तकदीर ख़त्म नहीं हो सकती जो तकदीर में लिखा है ना वो मिट नहीं सकता हाँ मिटेगा कैसे मिटेगा इल्ल दुआ मगर दुआ से और ज़्यादा नहीं करती उम्र में मगर नेकी नेकी जो है ये उम्र को बढ़ा देती है और दुआ जो है ये तकदीर को बदल सकती है जो कुछ आप के लिए बुरा लिखा होगा या जो आपके लिए आपके नामुनासिब लिखा हुआ होगा जब आप दुआ करेंगे तो वो जो आपके लिए बुरा लिखा है वो अच्छे में तब्दील हो सकता है तो तकदीर जो है वो दुआ से ही बदल सकती है ठीक है अब ये है कि अल्लाह तबारक व ताल से हर चीज़ मांगो क्योंकि ये छोटे 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 एक पहलू हैं इनके ऊपर इनके ऊपर हमें नज़रसानी करनी चाहिए देखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व बारगाह में हम किस चीज़ का सवाल कर रहे हैं हमें तो अल्लाह की बारगाह में हर चीज़ का सवाल करना चाहिए हुजूर की हदीस से मुबारक है कि लोगो तुम अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगो अल्लाह से हर चीज़ मांगो हर चीज़ मांगो हती कि तुम्हें अगर जूती का तस्मा भी चाहिए तो वो भी अल्लाह से मांगो अगर वो जूती का तस्मा भी तुम्हें अता कर दे तो ये भी बहुत बड़ी बात है लेकिन जूती का तस्मा जो है अगर तुम्हें चाहिए तो वो भी अल्लाह से मांगो अगर रब की ऱा नहीं है तो फिर तुम्हें वो जूती का तस्मा भी नहीं मिल सकेगा अल्लाह हुजूर की हदीसें मुबारक मौजूद है। हुजूर ने फरमाया अगर जूती के तस्मे में भी रब की रज़ा न हुई तो वो जूती का तस्मा भी तुमको नहीं मिल सकेगा लेकिन जो दुआ है ना हमें इस दुआ में क्या करना चाहिए अब आखिर में आदाब दुआ हैं कुछ हज़रत इमाम गज़ाली रहमत तरमाते हैं कि दुआ की दो किस्में हैं एक बातनी दुआ होती है एक ज़ाहरी दुआ बातनी दुआ तो ये है कि हम दिल के अंदर अल्लाह तब अल्लाह तबारक व ताल परवल करते हैं उसकी ज़ात पे भरोसा करते हैं उससे लाओ लगाते हैं अल्लाह तबारक वताल की रज़ा जो है वो अपने दिल में पैदा करते हैं ज़ाहरी दुआ यह है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं कुरान पढ़ते हैं रोज़ा रखते हैं ज़क़ात देते हैं सदका करते हैं खैरत करते हैं इसके अलावा ज़िक्र व विकार ज़ुबान से करते हैं इसके अलावा हम जब रुकू करते हैं सुजूद करते हैं क़याम करते हैं जलसा करते हैं कादा करते हैं तशाहत पढ़ते हैं क़याम करते हैं तो ये जो हैं ये ज़ाहरी दुआ के तरीके हैं लेकिन जो बातनी दुआ का तरीक़ा है वो यही है कि दिल के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात के साथ लो लगाते हैं उसकी याद में रहते हैं अल्लाह तबारक व ताल की ज़ात पे भरोसा करते हैं अब आगे आइए कि दुआ का तरीक़ा क्या होना चाहिए जब बंदा खुशबू खजू के साथ गिड़ गिड़ा के उस बारगाह की उस बारगाह में आता है तो उस बार गाह उलोहीत में जब वो दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल होती है लेकिन उसके कुछ तरीके भी हैं जब किसी से कुछ चीज़ मांगनी हो अगर हम किसी दोस्त से कुछ चीज़ मांगते हैं हमें पता है कि वो तब ही देगा कि जब हम उससे थोड़ा नरमी से पेश आएँ हम थोड़ा उसकी में, उसके साथ इस तरीके से पेश आएँ ताकि वो हम पे खुश हो जाए ताकि उसकी आदत, वो आदत के जो उसको अच्छी लगती हो, हम वो अपनाएंगे, तो फिर यकीनन वो हम पे मेहरबानी करेगा हमें वो चीज़ दे देगा तो जो रब है जो कायनात का मालिक है खालिक है जो इंसानों को पैदा करने वाला है कायनात को बनाने वाला है जिसने हर चीज़ को पैदा किया वो रब इतना करीम और उस करीम की बारगाह भी फिर करीम और उसकी जो है बारगाह, वो भी इतनी रहमत वाली बारगाह है तो उस बारगाह में भी तो हमें उस तरीके से आना चाहिए ना कि जिस तरीके से आने का हक है वो कैसे है दुआ के तरीके हैं आप किबला रुख होकर दुआ करें जब भी दुआ मांगे किबला रू होकर किबला की तरफ़ रुख करके बैठें और किबला रू होकर जो दुआ मांगेंगे तो अल्ला तबारक वाली आपकी दुआ कबूल करेगा फिर यह है कि दोनों हाथ उठा कर दुआ मांगा करें दोनों हाथ उठा कर दुआ मांगा करें हदीस मुबारक में आता है हज़ू आई सलाम दोनों हाथ उठा कर दुआ मांगते थे जब दुआ ख़त्म हो जाती तो दोनों हाथ अपने मुँह पर फेर लेते थे फिर खुशबूख के साथ दुआ मांगा करें फिर दुआ के अव्वल और आखिर में दरुद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें सबि फरमाते हैं कि एक शख्स ने हज़ूर सलात वाम के सामने नमाज़ अदा की तो उसने नमाज़ के बाद जब दुआ की दुआ से पहले भी दुरूद नहीं पढ़ा बाद में भी दरूद नहीं पढ़ा और दुआ से पहले हमदो सना भी नहीं की दरुद भी नहीं पढ़ा हज़ू ने फरमाया कि इसने जल्दी की आपने उसको बुला कर फिर फ़रमाया कि नमाज़ पढ़ा करो अल्लाह अल्ला की हमदोसना किया करो दुआ मांगने से पहले दरूद भी पढ़ा करो तो हज़रत उमर रजी अल्लाह तु हज़रतमर बिनखताब रजी अल्लाह का एक कौल है उनकी एक नसीहत है कि लोगों दुआ से पहले दरूद पाक ज़रूर पढ़ा करो क्योंकि अगर दरूद नहीं पड़ोगे तो ये दुआ जो है ये दुआ आसमान के दरमियान लटकी रहती है अल्लाह तबारक व ताल तक पहुँचते नहीं हैं बल्कि ये ऊपर लटकी रहती है ये दुआ आपकी कबूल नहीं होती जब तक कबूल तब होगी कि जब तुम हज़ूराम पे, उनकी आल पाक पर दरुद्सम पड़ा करोगे अब यह है कबूलीत के टाइम क्या है कबूलीत के टाइम भी बहुत हैं लेकिन उन उनमें से जो वैसे तो आप किसी टाइम भी दुआ कर सकते हैं किसी लम्हे दुआ कर सकते हैं लेकिन जो मेन और जो ख़ास तौर पे कबूलीत का टाइम है वो सहरी का टाइम है और मुबारक चल रहा है इसमें आप सहरी में जो दुआ करेंगे वो अल्लाह तबारक व कबूल फ़रमाएगा कुरान में है वल अब मुस्तफ़रीन असहार के वो लोग के जो पिछली रातों में जा कर इसफ़ार करते हैं तो यकीन ये भी एक दुआ है ना तो आम शहरी करते हैं तो हम साहरी के दौरान जब अल्लाह तबारकवा वो, वो ऐसा टाइम होता है कि जो सही मांगने का सारी का टाइम अपने रब को मनाने का रब की बारगाह में गिड़ गिड़ा के रोने का उसकी बारगाह में खुशु व के साथ आने का उसकी बारगाह में हर चीज़ तलब करने का टाइम होता है तो यारो उस टाइम आप रो कर गिड़ गिड़ा कर खुशु व खजू पैदा करके आप सहरी के टाइम इस तरीके से दुआ करें कि अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमा दे और फिर जुम्मे का दिन दुआ की कबूलियत का दिन है अरफे का दिन जो है वो दुआ की कबूलियत का दिन है सजदे की हालत में जब भी आप जाएँ तो आप दुआ किया करें कोशिश किया करें नमाज़ से हट कर भी अगर आपको टाइम मिले इशा के बाद या रात के किसी भी हिस्से में आप अगर सजदे में भी चले गए और सजदे में गए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर उस रब कायन की बारगाह में दुआ की तो वह दुआ कबूल कर देगा और हज़ूर सलातम का भी दुआ का तरीक़ाकार यही था हुजूर हज़ू आईलात वसलम मुबारक में तो आपकी इबादत में कसरत से इजाफ़ा हो जाया करता था साहबा फ़रमाते हैं कि हुजूर का रंग मुबारक मतगैर हो जाता मुबारक आते ही क्योंकि ये हदीसें जो हैं ये मैंने पहले बयान की हैं लेकिन यहाँ पर बयान करने का मकसद यह है कि हज़ू मुबारक में दुआ बहुत अहतमाम से मांगते थे रंग मतगैर हो जाता नमाज़ों में इजाफ़ा हो जाता इबादात में इजाफ़ा हो जाता और इसके अलावा हज़ू आईलात वसलाम दुआ जो है वो कसरत से करते थे तो भाइयों आखिर में दुआ आप मांगेंगे लेकिन इस दुआ की कबूलीत का जो ज़िम्मा है वो अल्लाह पर है अल्लाह फरमाता व इदा से अला का इबाद फ़न्नी करीब जब ए महबूब मेरे बन्दे आपसे सवाल करते हैं मेरे बारे में तो मैं उनकी शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ उजीब हूँ तो मैं उनकी दुआ को कबूल करता हूँ दुआ इंसान मांगेगा उसको कबूल करने वाला अल्लाह की ज़ात है और यकीन अल्लाह तबारक व कबूल करता है अल्लाह फरमाता है रब्बकुम। अल्लाह तबारक व ताल फरमाता है ए मेरे बंदे वकाल रबाकुम पुकार तुम अपने रब को इस लकुम तो अपने रब को पुकार तो तुम्हारी जो पुकार है वो तुम्हारी पुकार को कबूल करेगा तुम्हारी पुकार को सुनेगा तेरी दुआ को कबूल कर देगा तो दुआ है अल्लाह पाक हमें दुआ की फजीलत अहमियत और इस अमल करने की तोफ़ी फरमाए और दुआ मांगने का सही तरीके से ढंग और तरीक़ा तरमाए मैलबलामबी